वेलकम दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आपके पास है मोटो G24 मोबाइल और आप अपने मोबाइल में फिंगरप्रिंट लॉक सेट करना है तो कैसे सेट करोगे? दोस्तों, मोटो G24 पावर मोबाइल में फिंगरप्रिंट लॉक सेट करने के लिए आप अपने मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन कीजिएगा। सेटिंग्स को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह से आपके मोबाइल में शो हो जाता है। आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको डिवाइस लॉक का ऑप्शन मिलेगा, डिवाइस लॉक पे क्लिक करना है। इस तरीके से आपको फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा, फिंगरप्रिंट पे क्लिक करेंगे। आपने पहले से कोई भी लॉक बनाया रहेगा, स्क्रीन लॉक, पिन, पैटर्न, पासवर्ड वो डालना है, अगर नहीं बनाया रहेगा तो आपको बना लेना है। दोस्तों, मैंने पहले से बनाया था वो डाल देता हूँ। डालने के बाद यहाँ पे सेटअप पे क्लिक करना है। अब आपको बता रहा है फिंगर सेंसर, फिंगर को टच कीजिए। इस तरीके से मैं टच कर लेता हूँ और आप भी अपने मोबाइल में टच करके इस तरीके से स्कैन करवा लीजिएगा। फटाफट लगा लेता हूँ और लगाने के बाद दोस्तों ये आइकन जो पूरा फुल हो जाएगा। फुल होने के बाद दोस्तों यहाँ पे डन का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आपके मोबाइल में फिंगरप्रिंट लॉक सेट हो जाता है। देखते हैं, मोबाइल को लॉक करता हूँ दोस्तों, फिंगर से फिंगर को टच करते ही हमारा मोबाइल अनलॉक हो रहा है। तो इस तरीके से अपने मोबाइल को भी आसान तरीके से फिंगरप्रिंट लॉक सेट करके अपने मोबाइल को आसानी से फिंगर से अनलॉक कर पाओगे।